सूर्य संसार का पिता है और धरती संसार की माँ है। सूर्य को जल देने से धरती और सूर्य, माँ और पिता दोनों का पूजन होता है। धरती पे मानव की, जीव की उत्पत्ति, खाली मानव नहीं, जितने भी जीव हैं, वनस्पति है, खनिज पदार्थ हैं, उसकी उत्पत्ति का जो नियम है, सूर्य की तपस और धरती की उमस, दोनों के अद्भुत संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। सूर्य संसार का पिता है और धरती संसार की माँ है। सूर्य को जल देने से धरती और सूर्य, माँ और पिता दोनों का पूजन होता है। अब जब किसान खेत में बीज बोता है और बीज अंकुरित होता है, तो उस अंकुरित की ऊर्जा से, जब बीज अंकुरित होता है उसकी ऊर्जा से मिट्टी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस बीज के साथ में उस पौधे के अंदर उसका शरीर बनना शुरू होता है, पौधे का शरीर बनता है और फिर उसमें बीज रूप में उसके ऊपर अन्न के रूप में वो उगता है। अन्न को सारा संसार खाता है, पशु पक्षी भी और मानव भी सब खाते हैं। तो बीज के अंदर जो जीव आया है धरती से निकलकर, वो पाचन क्रिया से निकलकर, जो कमजोर है, वेस्ट है, वो वेस्ट में निकल जाता है, बाकी उसमें से जो सेल है वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से प्रोसेस होके वीर्य में जाते हैं, वहां से उसे जीवन लेने का अवसर मिलता है। इस प्रकार जीव की उत्पत्ति होती है। जब वीर्य से एक सेल माँ के गर्भ में जाता है तो एक अकेला नहीं जाता, बहुत सारे सेल जाते हैं, उनकी मैराथन दौड़ होती है और उस दौड़ में जो विजेता होता है उसे कमल योनि में जाने का अवसर मिलता है। कमल योनि में जाते ही वह नाभि से कनेक्टेड हो जाता है और नाभि के रास्ते स्त्री के खून में जो सेल हैं, जो शरीर में सेल हैं, वो सेल उसके ओर आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, उन सेलों से हमारा शरीर बनता है। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है ईश्वर की। तो अनेक सेलों से, और उन सेलों का अगर परीक्षण किया जाए तो वहां पर हमें 33 करोड़ तत्वों का आभास हो जाएगा जिनसे हमारा शरीर बनता है। अनेक प्रकार के सेल हैं हमारे रक्त में और इसकी 5 मेन कैटेगरी है जिनको 5 महातत्व बोलते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये मेन 5 ग्रुप हैं और इन 5ों ग्रुप में अनेक प्रकार के तत्व हैं। वायु में अनेक प्रकार के गैसें हैं, जल में अनेक प्रकार के मिनरल्स हैं, धरती में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, वनस्पति है, आकाश में अनेक प्रकार के तत्व हैं, तो वायु में अनेक प्रकार के तत्व हैं। इसी प्रकार सब मिला के ये शरीर बनता है और संसार में श्रेष्ठ योनि मानव की है। अन अन पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। हम खाना खाने लगते हैं लेकिन बिल्ली झपट ले जाती है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो जीव है, वो बिल्ली के गर्भ में चला गया, कुत्ते को डाल दिया, कुत्ते के में चला गया, पशु पक्षी लेके तो उसे में चला गया। तो जिसका जहां ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस प्रकार हमें योनि प्राप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।